फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने होममेड चॉक बनाया था। उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि ब्लैकबोर्ड डस्टर बनाने के लिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लैकबोर्ड डस्टर, वो भी थोड़ा यूनिक वे में। हम ब्लैकबोर्ड डस्टर बनाएंगे विद स्टोरेज। तो यहाँ पर मैंने एक जस्ट बॉक्स ले लिया है, सोप बॉक्स। आपके पास ऐसे टाइप का कोई भी बॉक्स होगा, आप ले सकते हो। जस्ट उसको कवर कर देना कलर से। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया एक स्पॉन्ज, तो ये आप कोई भी टाइप का ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये परचेज करके लेकर आई, मेरे पास नहीं था स्पॉन्ज। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसे कट कर लेते हैं। एंड ये काफ़ी थिक है, तो मैं इसे हाफ हाफ में कट कर रही हूँ। एंड फिर इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैं स्टिक कर लूँगी। आपके पास कोई और ग्लू होगा तो आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप कमेंट करते रहना, आपको कोई भी होममेड स्टेशनरी पर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। बाकी यार, एक से एक अमेजिंग वीडियोज होममेड स्टेशनरी पर आने वाली है फ्यूचर में। बस आप प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डस्टर रेडी है। यहाँ पर मैंने अपनी होममेड चॉक भी रख लिया है, काफ़ी अच्छा सा बनाया। चलिए इसे डेकोरेट कर लेते हैं। आज की इस अमेजिंग वीडियो को एक लाइक तो करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।